तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में फोरा कोड सोमजी कैप्सूल के बारे में यानी रोटा कैप्स के बारे में, और जानेंगे कौन सी प्रॉब्लम में दिया जाता है, कितने दिनों तक इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए, किस तरीके से इसे यूज करते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस कैप्सूल का यूज करने के बाद, और क्या इस कैप्सूल की कभी आदत भी पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे फोरा कोड सोमजी कैप्सूल का, वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। तो फोरा कोड सोमजी कैप्सूल सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये करीब करीब आपको 130 रुपये के 30 कैप्सूल एक डब्बी में, दोस्तों 30 कैप्सूल आते हैं, एक छोटी चार आती है इसके अंदर डब्बी के अंदर, उसके अंदर 30 कैप्सूल आते हैं ट्रांसपेरेंट। तो 130 रुपये की ये 30 कैप्सूल हर केमिस्ट स्टोर पर, हर दवाई की दुकान पर मिल जाएंगे। देखिए इसके अंदर जो सॉल्ट आता है ये डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है, इसे सेल्फ यूज मत कीजिएगा। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जो दो सॉल्ट आते हैं फॉर्मोटिरोल 6 mcg के अंदर और बुडीसोनाइड 100 mcg के अंदर, ये दोस्तों COPD की प्रॉब्लम में काम आते हैं। यानी सांस लेने की दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसे खींच खींच के लेना पड़ता है, उसमें ये काम आते हैं। छाती के अंदर तय तय की आवाज़ आती है यानी सीटी की सी आवाज़ आती है सांस लेते समय, या बहुत ज़्यादा कफ इकट्ठा हो गया है फेफड़ों के अंदर, छाती के अंदर बहुत ज़्यादा कफ है, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम में ये काम आता है। बात करें किस तरीके से ये काम करता है, देखिए दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्मोटिरोल है, फॉर्मोटिरोल दोस्तों वहाँ जाकर काम करता है जहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। क्या होता है दोस्तों, कई बार जो श्वास नली होती है, श्वास नली वहाँ पर दोस्तों सूजन आ जाता है, सूजन के कारण कुछ ब्लॉकेज हो जाता है जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो फॉर्मोटिरोल है दोस्तों ये उन मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और वायुमार्ग को चौड़ा कर देता है जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, और जितना जरूरी होता है वायुमार्ग उतना चौड़ा कर देता है। और बुडीसोनाइड दोस्तों एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है, एक एस्टेरॉइड है जो बिल्कुल सेफ है, घबराने कोई बात नहीं है, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, आप यूज कर सकते हैं। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये उस सूजन को, उस स्वेलिंग को कम करता है काफ़ी हद तक, जिससे कि ये प्रॉब्लम बार बार नहीं हो। और अगर गले में कुछ सूजन है, गले में इचिंग होती है, खुजली चलती है, खुजलाने का मन करता है, उसको भी ये ख़त्म करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बात करते हैं इसको किस तरह से यूज करें। देखिए इसे यूज करने के लिए आपको कुछ मशीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लूपी हीलर मशीन होगी। लूपी हीलर मशीन दोस्तों ये आपको 190 या 200 रुपये तक मिल जाएगी, लुपिन कंपनी से बनाती है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, कोई और दूसरी लेना चाहते हैं, तो सिप्ला कंपनी बनाती है दोस्तों रोटा हीलर, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं इस तरह की मशीन आती है। इसके अंदर ये हाफ अंदर रहता है, हाफ ऊपर रहता है, ये जो आप होल देख रहे हो इसके ऊपर, तो इसके अंदर डाल के दोस्तों ये ऐसे ऊपर करके इनहेल किया जाता है, यानी आपको अंदर खींचना पड़ता है। नॉर्मल पानी से लेने वाले ये कैप्सूल है नहीं, और कोई भी आप मशीन यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन जो सबसे ईजी है वो है लूपी हीलर रहती है दोस्तों। एक बार डालो और इसे दोनों साइड पुश करो और ये अपने आप हो जाता है अंदर खींचने, बस खींचना पड़ता है आपको अंदर एक बार। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। कुछ दोस्तों इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आ सकते हैं लेने के बाद, मुंह सूख सूखता है आपका, कुछ लाइट सरदर्द रह सकता है, बस ये दोस्तों बहुत कम साइड इफेक्ट है इसके, ये भी दोस्तों बहुत कम ही देखे जाते हैं, घबराने कोई बात नहीं है, आदत नहीं पड़ती इसकी। दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो इसका कभी भी आपको जरूरत हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, कफ की प्रॉब्लम हो गई हो, गले में इचिंग चल रही हो, तभी आप एक निकाल के मशीन में डालकर तुरंत सांस के साथ ले सकते हैं खींच के इसको अंदर की ओर। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, तो आपको दिन में 2 या 3 यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से ही इसे यूज कीजिएगा। सावधानी दोस्तों इसकी कुछ, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट है, आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये कुछ सावधानी दोस्तों, और इसकी कोई सावधानी नहीं है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को आने के लिए बहुत बहुत